हेलो स्टूडेंट, फॉर क्लास 11 लेसन आपका ये चल रहा था काइट में का। क्लास 11 लेसन काइट मेकर, ये आप पढ़ रहे थे ट्रैम्पल्ड अंडर फूट, यहाँ तक आपने पढ़ा था। काइट फ्लाइंग, इसको इस पैरा को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए। काइट फ्लाइंग वाज द स्पोर्ट ऑफ किंग, उस समय ये पतंग उड़ाना राजाओं का खेल था। और द ओल्ड मैन रिमेंबर्ड हाउ द नवाब हिमसेल्फ वुड कम डाउन टू द रिवर बैंक विथ हिज रिटर्न, और किस तरीके से नवाब स्वयं अपने सहायकों के साथ नदी के किनारे मैदान में आया करते थे। और नाउ एवरीवन हरीड एंड हरीड, आजकल तो हर एक को जल्दबाजी है। और इन अ हीट ऑफ होप एंड डेलिकेट थिंग लाइक काइट्स एंड डेड ड्रीम्स वी आर ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, और पतंग जैसी नाजुक चीज और पिछली यादों को उनके पास समय ही नहीं है, अर्थात वो पैरों के नीचे इसको रौंद डाला है लोगों ने। इसके आगे पढ़ना है, आप देखिए, महमूद द काइट मेकर। अब नाम आया, ये काइट मेकर का नाम महमूद था। महमूद ये पतंग बनाने वाला हैड बीन वेल नोन थ्रू आउट द सिटी इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ। प्राइम ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन की युवावस्था में यह महमूद पूरे शहर में वेल नॉन प्रसिद्ध था, अच्छी तरह इसका सम्मान था, लोग जानते थे। सम ऑफ हिज मोर एलेबरेट काइट सोल्ड फॉर एज मच एज 3 or 4 रुपीज, और कह रहे कुछ शानदार पतंगें जो इसने बनाई थी वो लगभग 3 or 4 रुपए की भी बेची थी उसने, 3 or 4, यानी उस समय की बात है जब महमूद, यानी लगभग 100 साल पहले की बात है, 100 साल पहले, और जब चांदी के रुपए चलते होंगे तो एक पतंग की कीमत 3-4, जबकि हमने सुना है, ये कहा जाता है कि उस समय 1 रुपए में लोग से अपने महीने भर का खर्चा चला लेते थे, चीज़ें इतनी सस्ती थी। और जब उस ज़माने में 3-4 रुपए की पतंग बेची होगी उसने, तो कितनी महंगी अर्थात कितनी शानदार पतंग बनाई होगी, कल्पना की जा सकती है। तो एट द रिक्वेस्ट ऑफ नवाब ही हैड वंस मेड ए वेरी स्पेशल काइंड ऑफ काइट, एक बार नवाब की प्रार्थना पर उसने बहुत एक स्पेशल टाइप की पतंग बनाई थी, अनलाइक एनी दैट हैड बीन सीन इन द डिस्ट्रिक्ट, और उस प्रकार की पतंग उस इलाके में कभी ना बनी और ना फिर पहले पहले बनी थी और ना बाद में बनी। इट कंसिस्टेड ऑफ ए सीरीज ऑफ स्मॉल वेरी लाइट पेपर डिस्क, इसमें हल्के पेपर की पट्टियाँ जोड़ी गई थी, सीरीज माने क्रम से, कंसिस्ट माने जोड़ना, ट्रेलिंग ऑन ए थिन बम्बू फ्रेम, बांस की खपंचों को जोड़ करके। आप लोग बात नहीं करो नहीं तो भगा देंगे। टू द एक्सट्रीमिटी ऑफ ईच डिस्क ही टाइड अ स्प्रिंग ऑफ ग्रास फॉर बैलेंस, और उसने प्रत्येक पट्टी को बैलेंस करने के लिए, संतुलन करने के लिए घास के तिनके से इसे बांधा था। द सरफेस ऑफ द फॉरमोस्ट डिस्क वाज स्लाइटली कन्वेक्स, बंद करो थोड़ा। द सरफेस ऑफ द फॉरमोस्ट डिस्क वाज स्लाइटली कन्वेक्स्ड, और उसको सबसे वाली जो आगे की जो पट्टी थी उसमें स्लाइटली कन्वेक्स्ड, कन्वेक्स्ड माने उत्तल लेंस लगा दिया गया था उसमें, उत्तल दर्पण कन्वेक्स्ड। एंड ए फैंटास्टिक फेस वाज पेंटेड ऑन इट, और उसी पट्टी को एक कलर के द्वारा चेहरा बना दिया गया था, यानी पेंट कर दिया गया था, फेस यानी चेहरा कार्टून, विथ द टू आइज मेड ऑफ स्मॉल मिरर, और इसमें 2 छोटी छोटी आँखें बना दी गई थी।
द डिस्क डिक्रीजिंग इन साइज फ्रॉम हेड टू टेल। और ये जो पट्टियाँ थी डिक्रीजिंग इन साइज माने बड़े से छोटे क्रम में, फ्रॉम हेड टू टेल, सर से टेल तक, माने ऐसी काइट बनाई गई थी कि इस तरीके से पहले इस तरीके की एक पट्टी जोड़ी गई, इसके बाद फिर इस तरीके की जोड़ी गई, इसके बाद फिर छोटी करी गई, इसके बाद ये इस प्रकार से पतंग बनाई गई थी कि ये सरपेंट बन गया था। और इसमें दो चेहरे बना दिया गया था जिससे कि ये एक डैम राक्षस के तरीके से पतंग लग रही थी, इसीलिए इसका नाम दिया गया ड्रैगन काइट। ड्रैगन काइट है ये, इसकी एक चोटी भी बना दी गई है, ड्रैगन काइट। कीड़ा कैसी लगती है? और ये कैसे बनी थी? द डिस्क डिक्रीजिंग इन साइज फ्रॉम हेड टू टेल गेव ए काइट द अपीयरेंस ऑफ ए क्राउलिंग सरपेंट। क्राउलिंग सरपेंट माने सरकने वाला कोई कीड़ा, जैसे कि ये स्नेल बन गया, सर्प जैसा, इस तरीके से क्राउलिंग सरपेंट के तरीके की पतंग बनी थी। इट रिक्वायर्ड ग्रेट स्किल टू रेस दस कम्बरजम। अब इसको उड़ाने के लिए बहुत युग बुद्धि की आवश्यकता थी, यानी हर कोई इसे उड़ा नहीं सक रहा था। इस भारी भरकम कम्बरजम माने भारी भरकम पतंग को उड़ाने के लिए बहुत स्किल की आवश्यकता थी। फ्रॉम द ग्राउंड एंड ओनली महमूद कुड मैनेज इट। और केवल इसे महमूद ही उड़ा पाया था। एवरी वन हैड ऑफ कोर्स हर्ड ऑफ द ड्रैगन काइट। इसका नाम दिया ड्रैगन काइट, यानी राक्षसी पतंग। और हर कोई इस ड्रैगन काइट को एवरी वन हैड कोर्स हियर्ड माने सुना, हर किसी ने इस पतंग के बारे में सुना, दैट महमूद हैड बोल्ड, कि महमूद ने ड्रैगन काइट बनाई है। यानी ये खबर पूरे शहर में फैल गई कि महमूद ने ड्रैगन काइट बनाई। एंड वर्ड वेंट राउंड दैट इज इट पॉसेस्ड सुपर नेचुरल पावर। और ये खबर कैसे सुपर नेचुरल पावर की तरह, अलौकिक वस्तु की तरह फैल गई, यानी जैसे कोई जरा सी खबर हो और तुरंत पूरे शहर में फैल जाए, तो इस तरीके से ये पूरे शहर में इस खबर पावरफुल पतंग, इस ड्रैगन काइट की पतंग पूरे शहर में फैल, खबर पूरे शहर में फैल गई। अ लार्ज क्राउड असेंबल्ड ऑन द मैदान। और जब इसको उड़ाने की बारी आई तो बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, एक भीड़ इकट्ठी हो गई मैदान में। टू वॉच इट फर्स्ट पब्लिक लॉन्चिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द नवाब। नवाब की उपस्थिति में जनता के सामने इस पतंग को उड़ाने के लिए ऐलान कर दिया गया, और उस पतंग को उड़ते हुए देखने के लिए शहर में पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई, शहर की भीड़ उस मैदान में इकट्ठा हो गई। एट द फर्स्ट अटेम्प्ट इट डिड नॉट बज फ्रॉम द ग्राउंड। महमूद ने कोशिश की उड़ाने की, लेकिन पहली बार में तो ये उड़ी ही नहीं, जमीन से हटी ही नहीं। द डिस्क मेड आ प्लेंटिव, पतंग ने एक प्लेंटिव माने एक आवाज़ निकली, पट्टियों की बनी हुई थी, हवा से टकरानी होगी तो कराहने की आवाज़ निकली, प्रोटेस्टिंग साउंड, विरोधात्मक साउंड। एंड द सन वाज ट्रेप्ड इन द लिटिल मिरर। और जो उसके शीशे लगे हुए थे आँखों में, ये आँखों शीशे की बनी हुई थी, इसमें देखा तो जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ी, मेकिंग द काइट ए लिविंग, ऐसा लगा कि ये खुद देख रही हो, सजीव बन गई। कंप्लेनिंग केचर एक विरोध करने वाला प्राणी, यानी पहली बार में ये पतंग उड़ी ही नहीं और सूरज की रोशनी इसकी आँखों में पड़ी, इसकी आँखों में जो रोशनी पड़ती है, शीशे में रोशनी पड़ेगी तो रिफ्लेक्शन होता है, जैसे रिफ्लेक्शन इसकी आँखों का हुआ तो ये सजीव जैसे लगने लगी। और उसी समय थोड़ी बहुत जो उसकी पट्टियाँ लगी थी उसमें हवा आई, कराहने की आवाज़ जैसे निकली, जैसे ये कह रही हो हम नहीं उड़ेंगे। देन द विंड, इसके बाद पहली बार में ऐसा हुआ, देन द विंड केम फ्रॉम द राइट डायरेक्शन, इसके बाद सही दिशा से हवा आई। एंड द ड्रैगन काइट सोर्ड, और ये ड्रैगन काइट उड़ गई, सोर्ड हवा में उड़ी, इनटू द स्काई आकाश में, ब्रिलिंग इज बे हायर एंड हायर, ऐसे अपना रास्ता ऊपर की तरफ
ऊपर की तरफ बिल्कुल तय कर लिया, ऊंचे ऊंचे चलती गई विद द सन स्टिल ग्लिंटिंग, जो सूरज की रोशनी थी किरणें वो अभी भी आँखों में रोशनी पड़ रही थी उसकी और चमक रही थी इन इट्स डेविल आइज राक्षसी आँखों की तरह। सूरज की रोशनी कांच में पड़ रही थी तो वो चमक उसकी ऐसे पड़ रही थी जैसे वो राक्षस हो। बैंड इट बैंड हाई वेरी हाई, जब ये बहुत ऊंचे निकल गई इट पुल्ड पाइड से ली ऑन द टाइम, तो इसने मज्जे को तेज़ी से खींचना शुरू कर दिया। जब ऊपर पतंग उड़ जाती है तो फिर वो ताकत लगाती है ऊपर को जाने के लिए। एंड महमूद यंग सन हैड टू हेल्प हिम, महमूद के छोटे लड़कों को उसकी मदद करनी पड़ी विद द रील उस डोरी को पकड़ करके। बट स्टिल द काइट पुल्ड, लेकिन वो पतंग अभी भी ऊपर की तरफ खींच रही थी। डिटरमाइनिंग टू बी फ्री, जैसे कि स्वतंत्र होना चाहती हो, खींच रही थी रस्सी बराबर। टू लाइव ए लाइफ ऑफ इट्स ऑन, जैसे अपना स्वतंत्र जीवन जीना चाहती हो अर्थात रस्सी तोड़ना चाहती हो। एंड देन इट हैपेंड, उसके बाद क्या हुआ, द टाइम स्नैप, मज्जे टूट ही गया। जब बार बार वो ऊपर की तरफ खींच रही थी, तेज़ी हवा चल रही थी तो, और मज्जा बचा नहीं, पहले जब जितना था उसने ढील दे दिया, अब मज्जा टूट गया। द काइट लेफ्ट अवे टुवर्ड्स द सन, और ये पतंग सूरज की तरफ लेफ्ट उछलती कूदती चली गई, जैसे ऊपर उड़ रही थी पतंग की रस्सी टूटी और वो ऊपर की तरफ ही चली गई। सेल्ड ऑन अंटिल इट वॉज लॉस्ट ऑफ व्यूज, और ये जब तक ऊपर को चलती गई जब तक आँखों से रोशनी ओझल ना हो गई, आँखों से ओझल हो गई और वो ऊपर ही चली गई। इट वॉज नेवर फाउंड अगेन, फिर बाद में कभी मिली ही नहीं, ये ऊपर ही चली गई, बाद में दोबारा कभी नहीं मिली। एंड महमूद वंडर्ड आफ्टर वर्ड इफ ही हैड मेड टू बिविड, महमूद को स्वयं बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या उसने इतनी अद्भुत चीज़ बना दी, क्या उसने कोई सजीव चीज़ बना दी जो कि इतनी शक्तिशाली थी कि वो ऊपर को उड़ गई और फिर बाद में लौटी ही नहीं। पतंगें वैसे जब कट जाती हैं तो कहीं ना कहीं तो गिरती हैं, लेकिन वो कभी मिली ही नहीं। टू लिविंग अ थिंग ऑफ द ग्रेट काइट, इस ग्रेट काइट के रूप में इसने सजीव चीज बना दी, उसको आश्चर्य हुआ। ही डिड नॉट मेक अनदर लाइक इट, फिर उसके बाद कभी दूसरी पतंग ऐसी नहीं बनाई उसने। बट इंस्टीड इसके बजाय प्रेजेंटेड द नवाब विद अ म्यूजिकल काइट, एक म्यूजिकल काइट बनाई, संगीत वाली पतंग बनाई उसने एक बार। आप लोग बातें नहीं करोगे। वन दैट मेड ए साउंड लाइक द वीणा, एक ऐसी पतंग जिसमें वीणा की आवाज़ निकलती थी, ऐसी पतंग उसने बनाई थी म्यूजिकल काइट जिसमें वीणा की आवाज़ निकलती थी। यस दोज वेयर मोर लिसरली डेज, यार ये पतंगों के दिन था क्योंकि उस समय लोगों के पास फुर्सत का समय था, लिसरली डेज बहुत फुर्सत थी लोगों को उस समय। बट द नवाब हैड डाइड ईयर एगो, लेकिन नवाब बरसों पहले अब तो मरे गए। हिज डिसेंडेंट वेयर ऑलमोस्ट एज पुअर एज महमूद हिमसेल्फ, और उनके उत्तराधिकारी वो भी महमूद की तरह गरीब हो गए, क्योंकि नवाबों ने पैसा बहुत उड़ाया। नवाबों ने, नवाब इसीलिए कहा जाता है कि ये पैसा बहुत खर्च करते हैं, पैसा अपना सारा खर्च कर दिया और उनके पुत्र जो हुए भिखारी हो गए। काइट मेकर लाइक पोएट वंस हैड देयर पैट्रॉन्स, और उसी तरीके से वह जैसे कि एक बार कवि अपने उत्तराधिकारी के लिए क्या छोड़ के जाता है, कवि के पास कुछ नहीं होता है, कवि लेखक के पास कुछ बचता नहीं, अपने सारा जीवन वो समाज सेवा में ही लिख करके ही गुजार देते हैं। इसी प्रकार नवाब के बेटे भी इस पोएट और लेखकों की तरह ही गरीब हो गए। महमूद नाउ हैड नन, महमूद के पास अब कोई नहीं था, नो वन, ये कहाँ की बात करें कि अभी पीछे पड़ा आपने, अपनी युवावस्था में महमूद पूरे शहर में प्रसिद्ध था, सब लोग उसका हालचाल पूछते थे, लेकिन आज नो वन आस्क हिम, कोई नहीं पूछता उसका हिज नेम, उसका नाम, आज उसका नाम भी कोई नहीं पूछता। एंड ऑक्यूपेशन, उसके काम के बारे में अब क्या हो रहा है कोई ये भी नहीं पूछता, क्या कर रहे हो। सिंपली बिकॉज देयर वेयर टू मैनी पीपल इन द गली, क्योंकि जो उस गली में लोग रहते थे, एंड नोबडी कुड बी बॉदर्ड अबाउट नाइबर्स,
अब अपने पड़ोसियों का हाल चाल जानने का बोझ कोई नहीं उठाता। पहले एक दूसरे का हाल चाल पूछते थे लोग, क्योंकि वो मैदान में इकट्ठा होते थे, पतंगें उड़ाते थे, पूछते थे और भाई क्या हाल है। लेकिन आज पतंगें उड़ाते ही नहीं और एक दूसरे से मिलते नहीं, इसलिए उनका हाल चाल भी पूछना अपना एक बोझ समझते हैं। When he was younger and had fallen sick, जब महमूद युवक था और कभी बीमार हो जाता था, everyone in the neighborhood had come to ask, प्रत्येक पड़ोसी उसके पास आता था पूछने के लिए, आफ्टर एजल, अब स्वास्थ्य कैसा है भाई, आप तबीयत कैसी है। जब वह युवक था तब की बात है कि अगर कभी बीमार हो जाता था तो हर व्यक्ति उसके पास आता था हाल चाल पूछने के लिए। नाउ, लेकिन अब when his days were drawing to the close, अब उसकी मृत्यु का दिन पास है, no one visit him, कोई नहीं आता उसके पास। Most of his old friends were died, अक्सर उसके जो पुराने मित्र थे वो समाप्त हो चुके हैं। His sons had grown up, उसके बेटे अब बड़े हो गए हैं। One was working in coal in local garage, एक उसी शहर में गैरेज में काम करता है। The other had stayed in Pakistan, दूसरा एक बेटा था जो पाकिस्तान में ही रुका हुआ है। Where he was at the time of partition, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के समय वह वहीं रुक गया था। यानी दो बेटे हैं, जो एक पाकिस्तान में रहता है और एक यहाँ है, पास में ही रहता उसके। The children who had bought kites from him 10 years ago were now adulting, struggling for a living, और 10 साल पहले जो बच्चे उससे पतंगें खरीदा करते थे अब वो बड़े हो गए हैं और स्वयं जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, यानी वो भी गरीब हैं। They did not have time for the old man, और उनके पास इस वृद्ध व्यक्ति के मिलने के लिए समय ही नहीं है। And his memories, और ना ही अपनी यादों के लिए कोई समय है उनके पास, पिछली बातें भूल ही गए। Having grown up in a swift changing, और इस बदलते हुए बदलाव के साथ कंपटेटिव वर्ल्ड, इस प्रतियोगितात्मक संसार में, दे लुकड एट द ओल्ड काइट मेकर विद द सेम इनडिफरेंस, वो भी इस वृद्ध व्यक्ति को अरुचि के साथ देखते हैं, यानी उसमें भी उन्हें भी उसमें अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। एज दे सोड टुवार्ड्स द बनियन ट्री, और जैसे वो बरगद के पेड़ में भी अब कोई इंटरेस्ट नहीं रखा। पहले वो बरगद का पेड़ था जहाँ लोग आया करते थे, वहाँ भी मैदान में बैठा करते थे, लेकिन आज ना तो बरगद के पेड़ में इंटरेस्ट है और उसी प्रकार ना इस वृद्ध व्यक्ति में हमको इंटरेस्ट है। बोथ वी आर टेकन फॉर ग्रांटेड एज परमानेंट फिक्चर, दोनों ही अब परमानेंट फिक्चर हैं, स्थाई हैं। दैट मतलब दोनों नहीं बदले, दैट वी आर ऑफ नो कंसर्न टू द मास ऑफ ह्यूमैनिटी, दोनों को ही जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, जो आसपास उनके लोग रहते हैं उनसे कोई अब संबंध नहीं है, क्योंकि लोग दूसरे बदल गए हैं, ये नहीं बदले। दैट सराउंडेड देम, जो उनके आसपास थे। नो लॉन्गर डिड पीपल गैदर अंडर द बनियान ट्री, अब बिल्कुल भी कुछ भी लोग भी बरगद पेड़ के नीचे नहीं आते हैं, इकट्ठा नहीं होते हैं। टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम, अपनी समस्याओं को हल करने के लिए। एंड देयर प्लान्स, अपनी योजनाओं को बनाने के लिए। ओनली इन द समर मंथ, केवल गर्मियों के महीने में, डेड समवन सीक शेल्टर अंडर इट, कोई अगर यात्री इसके नीचे आकर के बैठ जाता है छाया के लिए, फ्रॉम द फारसी सन, तेज धूप से बचने के लिए। केवल अब कभी कभार कोई तेज धूप से बचने के लिए आकर उस छाया में बैठ जाता है। बट देयर वाज ऑफ कोर्स द बॉय हिज ग्रैंडसन, इट वाज गुड दैट हिज सन वर्कड क्लोज बाय, हाँ एक बात बड़ी अच्छी थी कि कम से कम उसका एक बेटा उसके पास रहता था, जिससे उसका ग्रैंड सन अर्थात नाती उसके पास आ जाता था। एंड ही एंड द डॉटर इन लॉ, वह और उसकी बहू कुड लिव इन महमूद से हाउस, महमूद के घर में रह सकते थे। इट ग्लैडेड हिज हार्ट टू वॉच द बॉय एट प्ले इन द विंटर साइन, और जिसे देख करके वह वृद्ध व्यक्ति खुश हो जाता था। ग्रोइंग अंडर हिज आइज, अपनी आंखों के सामने बढ़ता हुआ देख करके, लाइक ए यंग एंड वेल नॉरिश्ड सैपलिंग, एक अच्छा और अच्छी तरह पाला हुआ पौधे की तरह। पुटिंग फोर्थ न्यू लीव्स ईच डे, जिसमें रोजाना नई नई पत्तियां निकलती थी, कोपल कोपल कोपल, जिससे देख करके खुशी होती थी। इसी प्रकार उस छोटे बच्चे को देख करके भी उसे खुशी होती थी। यहाँ तक आप लोग टिक कर लीजिए। थैंक यू।